जिंदगी में हम सबका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, लेकिन एक बैंड है जिनका लक्ष्य है कि महिलाओं को उनका असली दर्जा दिलाना। हमारे साथ है बैंड सनम। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि ये जो पूरा लक्ष्य, जो आपका नया सॉन्ग है, ये बना कैसे, आपने कैसे प्लान आउट किया ये सारी चीज़ें? ये गाना क्या है, हम एक चीज़ में बिलीव कर रहे थे, ये जो लड़कियों के रिलेटेड कि यहाँ पे जो फीमेल टू मेल रेशियो बहुत कम है, और तो ईबे का भी सेम बिलीव था, तो हमने इसलिए कनेक्ट किया। उस तरह से हमें गाना हमने पिक किया, लक्ष्य बहुत अच्छा गाना हमें लगा कि इसके इस कॉज के लिए रिलेट कर पाते हैं। तो इस गाने में जो मूड है वो बहुत सॉम्बर है, और जो इंस्पिरेशनल थीम है इस गाने में वो वीडियो के साथ बहुत कनेक्ट होता है, और इस कॉज को जितने भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है पहुंचना चाहिए, तो हमारे ओर से वी वांटेड टू मेक अ म्यूजिक वीडियो दैट्स इंस्पिरेशनल, इज आल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ अ वुमन इन हु डजंट वांट टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। तो ये जो सेक्स डिटरमिनेशन किट्स होते हैं ये इलीगल है, और कहीं से कई लोगों तो अवेलेबल है, शायद ऑनलाइन अवेलेबल है या वेर एवर, बट इट्स नॉट अवेलेबल ऑन ईबे, एंड ईबे इज स्टैंडिंग स्ट्रांगली अगेंस्ट द स्टांस ऑफ प्रोहिबिटिंग द परचेस ऑफ दिस। और हमें भी यही लगा कि थ्रू दिस सॉन्ग वी कैन रीच आउट अ लॉट ऑफ पीपल, because the message in the song is something that is very true, something that happens aajkal bahut kareeb hai, aur hum bahut strongly believe karte hain iske upar, to hum chahte hain ye message sab pe sab ko pahunche aur jinko bhi pahunche wo aur spread kare, wo hamara lakshya hai। ये आपका पहला सोशल गाना है, तो ये जो मूवमेंट है जो आपने स्टार्ट किया है हैशटैग नो वर्ल्ड विदाउट गर्ल्स, तो इस मूवमेंट के बाद आगे आप इस मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए क्या क्या प्लान आउट कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से देखो, पहला तो हमने शुरू करा है कि गाना रिलीज़ किया है, और नेक्स्ट यही कर सकते हैं हम अपने भी जो घर में हैं मम्मी पापा से डिस्कस करें, वो भी जिनको मिलते हैं उनको बोले कि डिस्कस करें, तो स्प्रेड आउट करें जितना पॉसिबल। अभी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो हम ऑनलाइन कितना स्प्रेड कर सकते हैं इस चीज़ को, गाने को स्प्रेड करें हम और जितना पॉसिबल है, तो क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमने ऑनलाइन ऑलरेडी जैसे हमारा यूट्यूब का जो फैन बेस है दैट्स अबाउट 2.3 मिलियन, सो वी ऑलरेडी रीच आउट टू दोज मैनी पीपल, बट नाउ वी ट्राइंग टू रीच आउट थ्रू यॉल थ्रू द अदर सोर्सेज, द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया टू ऑल्सो मेक श्योर दैट मैनी पीपल यू नो अबाउट दिस। सो या आने वाले समय में आप और क्या क्या लेके आ रहे हैं ऑडियंस के लिए, और कोई बॉलीवुड सॉन्ग? आने वाले समय में हमारे सनम ओरिजिनल्स बहुत सारे रिलीज़ होने वाले हैं, अभी बहुत ही सामने हैं वो रिलीज़ उनमें से। और जैसे ये एक कॉज है, हम और भी कॉजेज़ के ऊपर गाने बनाना चाहते हैं, बल्कि अपने उन गाने बनाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो वो भी आएंगे। जाते जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्प्रेड करो ये अवेयरनेस, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हम नहीं चाहते दुनिया में लड़कियाँ हो ही नहीं, तो वो बहुत ज़रूरी है। For India to grow, India has to know. So, yeah. गाने के दो लाइन अगर आप, चार लाइन। अच्छा, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अभी दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे बैंड सनम, जिन्होंने हमें सरलता से ये बताया कि जब तक हम अच्छी चीज़ें आगे नहीं बढ़ाएंगे, बुरी चीज़ें कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। कैमरामैन सुभाष के साथ अश्विन शर्मा, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।